तो ये बहुत लापरवाही हुआ है, क्या हुआ आपको? भट्टा मालिक खिलाफ कुछ करेंगे? करेंगे ना भट्टा मालिक खिलाफ करेंगे कैसे? नहीं थदिया थुनवाया तू हो गलती दिख रहा आपको? देखिए जहाँ तक भट्टा मालिक का सवाल है, अगर वो गड्ढा कोरे हुए, आज सुबह में बारिश हुआ है, गड्ढा कोरे तो उसको तत्काल जो है सो प्रावधान के घेराबंदी कर देना चाहिए, या बगल के घर को जो सूचना देना चाहिए कि भाई हम गड्ढा कोरे हैं, अपने अपने बाल बच्चों को इंतजाम से रखें, बाहर न निकलने दें। बारिश होने के बाद ये गड्ढा डूब गई, मिनिमम 6 और 5 फीट के नीचे करीब करीब गड्ढा हम देख रहे हैं। यहाँ पे कोई घेराबंदी नहीं है? नहीं, कोई घेराबंदी नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे भट्टा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए ना। और यहाँ पे क्या कार्रवाई करना होना चाहिए? देखिए ये हम तो कहेंगे खास करके यहाँ पे जिला प्रशासन महोदय आए और घटनास्थल पे जांच करके ही आगे कार्रवाई किया जाए कि कैसे बच्चे को मृत्यु, एक नहीं दो दो बच्चे यहाँ पे मरे हैं, दो दो बच्चे मरे हैं, एक मंडल समुदाय से और एक SC से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक चिमनी है, चिमनी में से धुआं निकल रहा है और ये रतन ईंट भट्टा है जहां पर की ईंटा खपाई का कार्य किया जाता है, वहीं पर के गड्ढों में इस तरह की घटना हुई है जिसमें दो मासूम बच्चों ने आज अपनी लाइफ जो है आज अपनी जिंदगी खो दी है। बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये भट्टे के साथ जिस तरह की आजकल लापरवाही हो रही है, उस लापरवाही का आज नतीजा है जिसमें दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। हम जानने की कोशिश करेंगे दोनों बच्चे किसी कारणवश वहां गए खेलते खेलते और दोनों ही जो है उस गड्ढे में कूद गए और गड्ढे में क्योंकि आज तड़के ही बारिश हुई थी और पानी काफी ज्यादा था जिससे कि इस तरह की घटना हुई और दोनों ही बच्चे जो है अपनी जान गंवा बैठे। हम इस समय शैलेंद्र पासवान के घर पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। माता जो है वो पूरी तरह से कोरोना से भरी हुई है और आप मैं आपको जब बच्चे नया नया गड्ढा आज ही खुला था, बच्चे किसी कारणवश उस गड्ढे में गिर गए और इस तरह की घटना जो है आज हुई है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है, यहाँ के स्थानीय निवासी सब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आपको कैसे पता चला कि बच्चा उस गड्ढे में गिर गया। बच्चा दूसरा बच्चा थोड़े थोड़े देर के छोटे छोटे है, वो बच्चा आया दौड़ के, बच्चा डूब गया बच्चा जब कहा डूब गया तब आदमी सब दौड़ के गया तो बच्चा पानी में डूबा। तब निकला था वहाँ जाने के लिए? तब होता जाने के लिए आधा घंटा के दस दौड़ा जाने जाया है कुनिया लगता है गड्ढा छे, ऐसे तो कोनो बच्चा ओमे खसके मर सके या? जी जी कोनो बच्चा खसके सर,
अखन तक शुरुआते भेलैया तो कोना बच्चा खसि के मरते की मांग करे छी आब गरीब लोग से आब अहाँ सब सरकार बनि के जे सरकार तो कहियो दे हमरा तो हैत जे मुआवजा छै से गरीब लोग के मिले तो मैं बता दूं दूसरा बच्चा भी जो है अभी आ चुका है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दूसरा बच्चा जो है यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर हम दूसरे बच्चों को दिखाने की कोशिश करेंगे ये घटना हुई है और इस तरह की दुर्घटना लगातार हो सकती है क्योंकि ये गड्ढे जो है वो अवैध है और गड्ढे जो है हमेशा ही जो है घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं आज इस बच्चे के साथ हुआ है कल दूसरे बच्चे के साथ हो सकता है अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई तो लगातार हो सकती है आप देख सकते हैं माता जो है किस तरह से भिलक रही है अपने बच्चों के लिए इस पर जो है कोई कार्यवाही जरूर होनी चाहिए।